हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ पूनम्स मिनी वर्ल्ड में। आज हम बनाएंगे अरबी की सूखी वाली सब्ज़ी। अरबी की सूखी सब्ज़ी कई तरीके से बनती है। कुछ लोग बॉईल करके बनाते हैं और कुछ लोग कच्चा कट करके ही बनाते हैं। आज हम इसे हाफ बॉईल करके बनाएंगे और भुने हुए बेसन के साथ बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार लगती है सब्ज़ी खाने में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर देर नहीं करेंगे, हम सब्ज़ी बना लेते हैं। सबसे पहले हम अरबी ले लेंगे। तो आधा केजी के बराबर अरबी है। ये एकदम साफ़ सुथरी अरबी है और बहुत जल्दी गलने वाली है। कई बार हम मार्केट से अरबी लेके आते हैं और घर आके कई सीटी लगा लेते हैं उसमें, लेकिन वो फिर भी नहीं गलती है। देखने से पता चल जाता है कि अरबी गलने वाली है या फिर नहीं गलने वाली है। तो ये एकदम अच्छी वाली अरबी है, सॉफ्ट वाली, जल्दी गलने वाली है। इसमें हम पानी डाल देंगे और छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। जितनी भी मिट्टी है वो सब निकल गई है इसकी अच्छी तरह से। 2 से 3 बार पानी से धो लिया है अच्छे तरह से, साफ पानी से। उसके बाद हम इसे कुकर में डाल देंगे और बॉईल कर लेंगे। तो सारी अरबी हमने डाल दी है कुकर में और पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें, हम बस आधा गिलास पानी डालेंगे। इसमें हमें ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है, बस इसको हाफ कुक करना है तो एक सीटी लगानी है। लेड़ लगा लेते हैं और एक सीटी लगा देते हैं। उसके बाद हम छील लेंगे और कट कर लेंगे लंबे लंबे टुकड़ों में। 80% तक ये गली हुई है। अब हम कढ़ाई रख देते हैं और कढ़ाई में डाल देते हैं 1 चम्मच के बराबर देसी घी। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। घी मेल्ट हो गया तो उसमें हम डाल देंगे बेसन। तो 1 से 1.5 चम्मच के बराबर हम बेसन डालेंगे। बेसन ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना इनफ है। लो फ्लेम पर हम बेसन को अच्छे से भून लेंगे घी के साथ में। कम घी में भी हम इसे भून सकते हैं, मैंने घी थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो बेसन हमारा लगभग भून गया है, बेसन से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो ये हो गया है। अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे और उसमें हम डाल देते हैं कुकिंग ऑयल। 2 बड़े चम्मच के बराबर हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तेल गर्म हो गया है तो अब डाल देंगे 1/2 चम्मच के बराबर ज़ीरा और 1/2 चम्मच के बराबर ही हम डाल देंगे इसमें अजवाइन। तो अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है अरबी की सब्ज़ी में। दोनों चीज़ों को अच्छे से चटकने देते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो 1 बड़े साइज़ के प्याज को बारीक कट कर लिया था। प्याज को भी भून लेते हैं लो फ्लेम पर। प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बस सॉफ्ट होने तक ही भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें चुटकी भर हींग भी ऐड कर देंगे। हींग डाल दिया है। उसके बाद हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे इसमें। दरदरी कुटी हुई हैं ये चीज़ें सारी। चला लेंगे बस कुछ सेकेंड्स के लिए, ज़्यादा नहीं भुनेंगे। उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, बेसिक मसाले। हल्दी डाल देते हैं, धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं 1/2 चम्मच के बराबर। पर और ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे, बस इतने मसाले इनफ हैं। थोड़ा सा भून लेते हैं तो मसाले कहीं जले ना। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पका लेंगे मसालों को। तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस 1/2 गिलास के बराबर पानी डाल देते हैं और चला लेते हैं अच्छी तरीके से। गैस की फ्लेम को लो किया हुआ है और 1 चम्मच के बराबर इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला। चला लेते हैं और उसके बाद पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 3 से 4 मिनट हम मसालों को अच्छे से पका लेंगे लो फ्लेम पर। तो मसाले हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं, तेल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अरबी। तो अरबी को चला लेंगे मसालों के साथ, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो 80% तक तो अरबी हमारी पकी हुई है। बस हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है। ढक देते हैं, लो फ्लेम पर पकने देते हैं 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट में हमारी अरबी हो जाएगी। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। ढक्कन हटा लेते हैं तो अरबी हमारी पक गई है अब अच्छी तरीके से। अब इसे हमें और नहीं पकाना है। तो वैसे भी सॉफ्ट वाली अरबी थी, अच्छी वाली थी, तो जल्दी गल गई है। मिक्स कर लेते हैं तो हल्के हाथों से चलाएंगे, कहीं अरबी टूटे ना। अब इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ बेसन जो हमने भून के रखा हुआ था। चिली फ्लेक्स डाल देते हैं 1 चम्मच के बराबर। अमचूर पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच के बराबर और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें बटर, या फिर घी भी डाल सकते हैं। तो मैंने बटर डाला है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक देंगे बस 5 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और सब्ज़ी हमारी बनके एकदम तैयार है, प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो अरबी की सूखी वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है ये बेसन के साथ, भुने हुए बेसन के साथ में। कभी नहीं बनाई है आपने तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।